भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। मेडिसिन एंड तिब के शोबे भी में भी उन्होंने खातिर खा तरक्की की है, जिसकी वजह से दुनिया का रुख इंडिया की तरफ हो रहा है। आप देखें कि 70% ऑफ द मेडिसिन अब इंडिया उसमें खुद कफील हो चुका है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा, 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इसराइल में जा रहे हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लोग जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वो बेसिकली वहाँ जाकर करते हैं स्कैम और इल्लीगली तौर पे लाइक लो वेजेस पे जाके वहाँ पे कर देते हैं अपना वर्क स्टार्ट। उनको बेसिकली वर्क परमिट मिलता है थोड़ा सा लाइक 8 आवर्स पर डे का, लेकिन वो करते हैं लाइक 16 आवर्स पे जाके भी कर रहे होते हैं। कभी हम आप मुझे आरजू ये बताएं, हम कभी किसी से मिले हैं बगैर पैसे मांगने की गरज से? आपने सोचा कभी कि हम किसी कंट्री में हम चले जाएं बगैर पैसे मांगने के? असल काम ये है कि भाई यहाँ पर ट्रिलियन ऑफ द डॉलर की डील होने जा रही है। टारगेट ये है कि 900 बिलियन डॉलर के ऊपर आईटी सेक्टर को लेकर आना है। इस पर पूरी दुनिया का साइबर, पूरी दुनिया का जो है वो रोबस्ट टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया की एआई टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। रियासत किन बहरानों के बीच घिरी हुई है? इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को चंद बहुत अहम फैसले करने हैं। क्या इस वक्त जबकि बहुत ज़रूरत है और हर तरह का बहरान है, इन्हितात है, पाकिस्तान की रियासत वो फैसले कर सकती है? IMF आपकी सगी फुफो है कि वो आपके खिलाफ ये कर रही है वो कर रही है, तो ये अपने कहानियां अपने तक रखो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों हाल ही में यूके ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट की है। उन्होंने ये कहा कि हमें भारत से 2000 डॉक्टर चाहिए, क्योंकि इस वक्त यूके में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है डॉक्टर्स की। इसी वजह से उनकी एक संस्था ने भारतीय डॉक्टरों को बुलावा दिया है। इन भारतीय डॉक्टरों की जो यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो भारत में ही होगी, और एकदम से उन्हें बिना किसी टेस्ट पास किए जो है वो इंग्लैंड में जो भर्ती के लिए जाएगा और वहाँ पर वे सेवाएँ देंगे। दोस्तों ये सब देख के पाकिस्तानी काफी ज्यादा हैरान है कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में यूके ने बस भारत के डॉक्टरों की चुना है, क्योंकि यूके भी जानता है कि भारत के डॉक्टर जो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों भारत बड़ी मात्रा में इंजीनियर, डॉक्टर और आर्किटेक्ट पूरी दुनिया को देता है, जिसे देख के पाकिस्तानी काफी ज्यादा हैरान है। वे कह रहे हैं कि हम तो मजदूरी ही करते हैं, लेकिन भारत पूरी तरीके से। दोस्तों आज की हमारी पूरी वीडियो भी इसी टॉपिक पे होने वाली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों अब किस देर के वीडियो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट ऑफ वीडियो। अगली जो मैं खासकर खबर बताना चाहूंगा वो ये थी कि आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS, वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पर लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, जाए नहीं रहे डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से एक आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा, 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इसराइल में जा रहे हैं, और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा, इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खासकर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत, अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था यूक्रेन की जंग के बाद, वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की। बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने मिलिट्री अटाशेस थे भारत के एम्बेसियों में, उनको बुला के ट्रेन किया गया, और अब वहां पे
असला बिकेगा भारत का, और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा, जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है, ये एक नई क्वेश्चन है। अंबानी साहब के बेटे की शादी हो रही है हिंदुस्तान में, और वहां दुनिया भर से बिजनेसमैन और नामी गिरामी शख्सियात उस शादी में शिरकत के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये महज एक शादी नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बना हुआ है वहाँ जहाँ पे बिजनेस डील्स होने जा रही हैं आईटी सेक्टर में, इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, और इसका इशारा मिलता है हमें मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स वहाँ मौजूद हैं, यानी कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट और उनकी डोमिनेंस है वो बढ़ने जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज, और वो एक चीज से बंधे हुए नहीं है, भारत जो इस वक्त सर दस्त मामला है कि इंडिया की आईटी के अंदर इतनी डोमिनेंस होने के बाद पाकिस्तान के ऊपर उसका क्या असर आएगा। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, तो इस वक्त पाकिस्तान में फेसबुक बंद है, अब उसकी चैमगोइयां हो रही हैं, क्यों बंद हुई, किसने कराई, क्या वजह थी। अब ये देखिए, मैं तो सर सारी शाम जो है हमारे मुल्क के जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ बात करता रहा हूँ, और मुझे भी कुछ जो बिल्कुल अलग बे नहीं जानता है इकोनॉमी की, उसको भी ये बातें समझ आ गई हैं कि जब हम इस मेयार की कोई चीज ही नहीं बना रहे जिसे एक्सपोर्ट किया जा सके तो हम एक्सपोर्ट करेंगे क्या। ये सूरत हाल है डॉक्टर साहब हमारे मुल्क की, और ये सूरत हाल है इंडिया की जहां से हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो आईटी सेक्टर को मैं कहां कहूं पाकिस्तान को, मेरे मुताबिक तो पाकिस्तान आईटी सेक्टर की अभी अलिफ बे भी नहीं समझा। आपको मैं अनफॉर्चुनेट रीजंस के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान अभी एआई रोबस्ट टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर ये अभी उसके इर्द गिर्द में भी नहीं चढ़े। ये तो लोग जो हैं ये फाइबर ये चार पांच चीजें जो है वो सीख करके और दो चार सॉफ्टवेयर का पता लगा कर ये समझ रहे हैं कि हम आईटी सेक्टर में आ गए। भाई आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया जो है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स पे चला गया, इस टाइम पर आपकी सारी निगाहें किधर हैं। तो मैं एक तो साथ ये कह रहा हूं, दूसरा आपके साथ सबसे बड़ा कौमी नुकसान जो होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको मैंने पहले अर्ज किया था कि नून लीग जो है पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अच्छा उस थ्रेट को, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे भारतीय डॉक्टरों को यूके में बुलाया गया और वहां पर उन्हें जो है वो लगातार जो है बुलाया जा रहा है। दोस्तों वहां पर 2000 डॉक्टरों की इस वक्त काफी ज्यादा नीड है, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में भारतीय डॉक्टरों को ही चुना गया है, क्योंकि यूके को पता है कि भारतीय डॉक्टर जो पूरी दुनिया में काफी अच्छा काम करते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी ये देख के काफी ज्यादा हैरान है और वे कह रहे हैं कि हम जो बस यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं इंग्लैंड में, और इंग्लैंड तो हमें जो है वो गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड भी दिखा देता है, लेकिन भारतीयों के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता है। उनका इंग्लैंड और पूरी दुनिया में काफी ज्यादा सम्मान होता है और उनको काफी ज्यादा अच्छे जो है वो पोजीशन दी जाती है।